कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का मेथड है, ये भी एक तरह का फंक्शन है, लेकिन ये स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन कैसे होता है वो आप अभी देखिए। ये अ कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। मेथड का जैसा ही इसमें ब्लॉक होता है। इट इज कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। मतलब जब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस टाइम पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। ऑब्जेक्ट जो हम रन करेंगे और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी जो मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, वो कब होगी, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसका साथ में। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। हमें बताया कि ये भी मेथड की तरह, लेकिन स्पेशल टाइप का क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और जो इसका नाम होता है इस मेथड का, जो क्लास का नाम है, वो सेम नाम से इसका मेथड होता है। और जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड लगा के, ऑब्जेक्ट देख रहे थे ना, ऑब्जेक्ट हमने कैसे बनाया था, न्यू कीवर्ड लगा के, कम से कम एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। आप बनाएं कंस्ट्रक्टर या ना बनाएं, आपको जावा में ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है। अगर एक भी कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया तो एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा, ठीक है, कंपाइलर अपने आप रन करेगा। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यूज एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उस टाइम पे एक वैल्यू को ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। बताया मैंने कि कंस्ट्रक्टर आपने नहीं भी लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट आपका जावा क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो जैसे इसका नाम आप देखिए, रूल्स क्या है जावा कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम। अगर क्लास का नाम स्टूडेंट है तो जो फंक्शन बनाओगे उसका भी नाम स्टूडेंट होगा। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कभी रिटर्न टाइप नहीं होता। जैसे आप फंक्शन बनाते तो लिखते हो ना इंट सम, तो इसमें, लेकिन इसमें जब वो कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। ये सब पहचान है इसके कि क्लास का नाम का जो है, क्लास का नाम उसी नाम से अगर कोई फंक्शन है आपका तो वो कंस्ट्रक्टर है। कोई ऐसा फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं, वो कंस्ट्रक्टर है। जावा कंस्ट्रक्टर कैन बी एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक फाइनल एंड सिंक्रोनाइज। ये जो आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे जावा में, वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, फाइनल हो सकता है, सिंक्रोनाइज हो सकता है। जैसे मेन वाला हमारा मेथड फंक्शन है वो क्या है, स्टैटिक है। टाइप क्या है, दो ही होंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, पैरामीटराइज मतलब पैरामीटर है आर्ग्यूमेंट से। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा का जो है बताया जेवीएम में, वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है आपके लिए, और आपको बनाना भी है तो आप बना सकते हैं। सिंपली क्लास का नाम, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख के, और ये ऐसा ही पैरेंथेसिस लगा दीजिए आपका, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पैरेंथेसिस, ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये अब यहाँ क्लास का नाम क्या, बाइक। अब बाइक नाम से यहाँ पे हमने ये बना दिया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देखिए, ये इसको तो ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये बाइक, बाइक करके ये हमने ये पैरेंथेसिस लगा दिया और कोई पैरामीटर नहीं दिया, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब कुछ रूल्स क्या हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है क्लास में तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन पर्पस क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि पर्पस क्या है फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट लाइक जीरो, नल एट्सेट्रा। जो आपके प्रोग्राम है ना, अगर उसमें जीरो, नल इस टाइप के जो आपके डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, तो जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे क्लास में, उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, जीरो, नल, इस तरीके के वैल्यूज। अगर नहीं वैल्यूज देंगे तो वो गार्बेज वैल्यू लेगा, इसलिए कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। अब दूसरा है कंस्ट्रक्टर का टाइप, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज मतलब पैरामीटर्स होंगे कुछ, ठीक है। तो अ कंस्ट्रक्टर विच हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हम इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, हाउएवर यू कैन प्रोवाइड द सेम वैल्यूज ऑल्सो।
अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, लेकिन सेम वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है। मेन क्लास है आपका यहाँ पे स्टूडेंट फोर। अब यहाँ पे स्टूडेंट फोर नाम से एक फंक्शन बन रहा है, मतलब एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, इसमें पैरामीटर्स है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं, इंटेजर, स्ट्रिंग, सेम तरह के भी दे सकते हैं, इंट इंट, ठीक है, डिपेंड करता है आपको क्या पर्पस है। अब जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है, वैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, मतलब एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं सेम नाम से, वैसे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं एक से ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्लास है हमारा स्टूडेंट फाइव, यहाँ पे हमारे एक फंक्शन एक दो, दोनों कंस्ट्रक्टर है क्योंकि सेम नाम है इस फंक्शन का एज द नेम ऑफ द क्लास, और दोनों में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि दो एक ही स्कोप के अंदर, ये ना क्लास यहाँ से यहाँ तक है, इसी स्कोप के अंदर अगर यूज हो रहा है एक से ज़्यादा फंक्शन, ठीक है, सेम नाम से, तो हो गया ओवरलोडिंग। तो एक यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जा रहा है, ये दो तो पैरामीटर सेम है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है, थर्ड पैरामीटर, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करेगा दोनों फंक्शन में। अब मेथड और कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप का मेथड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस अगर आपको आ जाए लिखने का कि दोनों में डिफरेंस कैसे, हम दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कंस्ट्रक्टर और मेथड को, तो ये पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है, मेथड इज़ यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के जो बिहेवियर है उसको एक्सपोज करने के लिए यूज होता है। वहीं पे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। मेथड एक रिटर्न टाइप होगा, इन कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। मेथड एक्सप्लिसिटली कॉल होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली होता है, अंदर ही होता है कॉल। मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर नहीं प्रोवाइड करता कोई मेथड, लेकिन जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है। द मेथड का नाम जो है वो सेम हो सकता है क्लास के या नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम मस्ट है कि क्लास के नेम के जैसा ही सेम होगा।